नंदिनी रोड का सौंदर्यीकरण के लिए सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान सड़क निर्माण कंपनी द्वारा पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। सड़क निर्माण कार्य के दौरान मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। निगम अधिकारियों द्वारा कार्यों की मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही है, जिससे ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से खुदाई कार्य को किया जा रहा है। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदार के कर्मचारियों ने सड़क खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन को फोड़ दिया, जिससे क्षेत्र की जल सप्लाई प्रभावित हो गई और लोग पानी के लिए परेशान रहे। इसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने दी। लाई नगर निगम क्षेत्र जो कि पावर हाउस से लेकर एसीसी चौक तक के विकास के लिए करोड़ों रुपए का एक बजट बनाया गया है और उस बजट के तहत में नंदिनी रोड जो कि मुख्य रूप से जो नंदी रोड की जो सड़क है उसकी चौड़ीकरण के अलावा सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। परंतु वर्तमान में आप देखेंगे जो कि 3 करोड़ से अधिक रुपये का एक बजट बनाया गया है, परंतु बिना मापदंड के बिना कोई व्यवस्थापित किए बगैर नगर निगम के द्वारा जिस तरह से कार्य को किया जा रहा है उससे यहाँ के स्थानीय व्यापारी से लेकर यहाँ के स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है उसमें पानी के लिए जो पाइपलाइन बिछाया हुआ था उसे बिना व्यवस्थित किए बगैर पाइपलाइन को उखाड़ के फेंकने का कार्य किया जा रहा है। वही साइड में जो स्ट्रीट लाइटें की पोल लगेंगे उन पोल को भी आप देख सकते हैं बिना व्यवस्थित किए बगैर उस पोल के साइड से इस कार्य को प्रारंभ कर दिया है। परंतु कुछ महीनों को उपरांत जो कि बरसात रहता है विभिन्न प्रकार के रहता है जो कि दुकानों के सामने जो नाली बनी है उसका मापदंड भी देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदार के द्वारा अपने मनमानी से यहाँ कार्य चल रहा है, ना कोई कोई बड़े उच्च अधिकारी इस कार्य को देख सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल का भी इस्तेमाल हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं इस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल जहाँ के करोड़ों रुपए भिलाई नगर निगम को देने का कार्य राज्य शासन के द्वारा किया गया है, परंतु अभी तक जिस तरह से कार्य आप चल रहा है जहाँ कार्य के बगैर केवल पैसे की बर्बादी हो रही है और लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और जन समस्याओं से जूझने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जबकि नाली का जो पाइपलाइन जो है इसके उपरांत फिर से इन्हें पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा और फिर करोड़ों रुपए की बर्बादी होगी। इस पर जल्द ही कोई अगर कार्य ध्यान देने का कार्य जिले प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसे चीज़ों को लेकर न्यायालय में इसकी शिकायत की जाएगी और उच्च अधिकारियों की इसकी जानकारी दी जाएगी। सड़क निर्माण कंपनी द्वारा कार्य मनमाने तरीके से कराए जा रहे हैं। बिजली खंभों को भी शिफ्ट किए बगैर तथा पानी पाइपलाइन को व्यवस्थित किए बगैर पानी पाइपलाइन को तोड़ दिया गया। पाइपलाइन के फूटने से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा। वहीं खुदाई के दौरान बिजली के खंभों को भी शिफ्ट नहीं किया गया है, साथ ही लापरवाही पूर्वक कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।